डीएनएच न्यूज लाइन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने कर रही है तैयारी। जानकारी मिल रही है संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली सिलवासा से। बताया जा रहा है कि चक्रवाती तूफान जो तेजी से आ रही है, इनसे निपटने के लिए दादरा नगर हवेली जिला प्रशासन ने पहले से ही तैयारी करना शुरू कर दी है। रोड के किनारे जो झोपड़ी बनी हुई थी, उन सभी झोपड़ी को हटाया जा रहा है। जो कि साग सब्जी बेचने वालों ने बनाए थे, उन सभी को हटाया जा रहा है। और जो अगल बगल में जहां भी दिख रहा है इस तरह का झोपड़ी, उन सभी झोपड़ी को हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं, ये दादरा नगर हवेली सिलवासा का तस्वीर हमने आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर रोड के सामने जो झोपड़ी बने हुए थे, इन सभी झोपड़ी को गिराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह चक्रवाती तूफान 17 से 18 मई के बीच में काफ़ी तेज़ी से आने वाली है और वह दादरा नगर हवेली पर भी असर कर सकती है। इसके लिए जिला प्रशासन ने पहले से ही काफ़ी तैयारी कर रही है। अगर अभी तक आपने डीएनएच न्यूज़ लाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि दादरा नगर हवेली एवं आसपास के सभी खबर हमने आप तक सबसे पहले पहुँचा सके। Yeah.